पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद मुरादाबाद की एक बैठक जिला चिकित्सालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष संदीप बडोला ने की और संचालन कार्यालय सचिव निश्चल भटनागर के द्वारा किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, रोडवेज, व्यापार कर, कृषि, शिक्षा, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, गन्ना विभाग, नगर निगम, उद्यान, विकास भवन, वन विभाग, ITI, पॉलिटेक्निक, PWD विभाग के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति, केंद्र के समान भत्ते, पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण, ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने आदि विभिन्न मांगे लंबित हैं, जिनके लिए लगातार सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 6 सितंबर 2017 को प्रत्येक जनपद में ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा मांगों पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण मजबूर होकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा 22 दिसंबर को जनपद में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और रैली के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उसके बाद ही सरकार नहीं चेतती है तो मजबूर होकर प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ेगा। दरअसल ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पिछले लंबे समय से इस प्रदेश के राज्य कर्मचारी की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रयासरत है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर माह सितंबर में प्रत्येक जनपद में धरना देकर सरकार से मांगों की पूर्ति के निराकरण करने की मांग की थी। लेकिन अफसोस है कि तमाम ऐसी समस्याएं, चाहे वो वेतन विसंगति की हो, विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति चौथे वेतन आयोग से लंबित है, केंद्र के समान चाहे भत्तों की मांग रही हो, कैशलेस इलाज की मांग रही हो, 4600 ग्रेड पे इग्नोर करने की मांग रही हो, जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की मांग रही हो, जो नियमित वर्चार्ज के कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की, तमाम ऐसी मांगे हैं, जायज मांगे, जिन पर अनेकों बार उच्च स्तरीय समझौते भी हो चुके हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर पर अनेकों बार समझौते होने के बाद भी शासनादेश जारी नहीं हो रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर विगत सितंबर माह में हमने प्रत्येक जनपदों में धरना दिया था और इन्हीं मांगों को लेकर सरकार के कानों तक इस प्रदेश के कर्मचारियों की आवाज़ को पहुंचाने के लिए आगामी 22 दिसंबर को इस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। मुरादाबाद जनपद में भी 22 दिसंबर को मोटरसाइकिल रैली निकालकर इस प्रदेश सरकार का ध्यान इस प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों की तरफ आकर्षित किया जाएगा। हमारी इस प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री से मांग है कि जिस प्रकार इस प्रदेश के विकास में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से रुचि ले रहे हैं, इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, लेकिन वो विकास तब तक अधूरा है जब तक इस प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं की पूर्ति सुनिश्चित नहीं होती, प्रदेश के कर्मचारियों को उचित जो उनका मान सम्मान है, जो उनके वेतन मान है, उचित रूप से नहीं मिल पाते। तो हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इस प्रदेश के कर्मचारी की जो वेतन विसंगति और तमाम जो लंबी समस्याएं हैं उन पर ध्यान देकर उनका निराकरण कराने का प्रयास करें और आगामी 22 दिसंबर को आज की बैठक में 22 दिसंबर की रैली को, मोटरसाइकिल रैली को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।